गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचूर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत व्याकरण का जो आज का प्रकरण है, पर्यायवाची शब्दाः। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा, पर्यायवाची शब्द का अर्थ एवं उदाहरणों के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए हम इस प्रकरण को आरंभ करते हैं। पर्यायवाची शब्द, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी परिभाषा। तो देखिए, किसी शब्द विशेष के अर्थ को प्रयुक्त, किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात किसी शब्द विशेष के, किसी शब्द के या विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक अर्थात समान अर्थ को बताने वाले शब्द या समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। तो वे शब्द जो समान अर्थों को प्रकट करते हैं तब वे क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द है वह कहलाते हैं। दूसरा देखें, पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ, तो वे शब्द जो समान अर्थ देने वाला, समान अर्थ को प्रदान करने वाला है तो वह क्या है, पर्यायवाची है। जो समान अर्थ को प्रदान करने वाला हो तो वह पर्यायवाची होता है। तो देखें, अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। पहला देखें, आकाश हो, क्या है आकाश। तो देखें, आकाश के समानार्थिक शब्द कौन से हैं, अर्थात आकाश का जो अर्थ निकलता है आकाश शब्द का, उसी भांति दूसरे कौन से शब्द हैं जो उसके समान अर्थ देने वाले शब्द हो, जो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द अपन कहते हैं। तो देखें, नभ जो क्या है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। गगनम, ये भी क्या है, आकाश का पर्यायवाची शब्द। अंतरिक्षम और अम्बरम, ये जो शब्द हैं वे जो शब्द आकाश का निकल रहा है उनका भी अर्थ सेम निकल रहा है, समानार्थी शब्द हैं। अर्थात ये पीछे वाले जितने चार शब्द हैं, नभ, गगनम, अंतरिक्षम और अम्बरम, तो ये आकाश के क्या माने जाते हैं, पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। इसी प्रकार देखें, राजा, राजा शब्द का देखें, भूपति, नृपः, अधिपति और नरेश, ये क्या है, राजा के पर्यायवाची शब्द। देखें अगला, हवा का देखें, वायु का, तो वायु का क्या है, अनिल, समीर, वात, पवन और मारुत, ये क्या है, वायु के पर्यायवाची शब्द। इसी प्रकार देखें, सूर्य के, सूर्य के क्या है, रवि, दिनकर, भानु और दिवाकर। गंगा जो क्या है, एक नदी है, तो गंगा नदी के देखें, भागीरथी, महाराजा भागीरथ के प्रयासों से इसको लाया गया सुरक्षित धरती पर, तो क्या बोले इसको, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी और सूर नदी, इनके गंगा के समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द। पर्वत, पर्वत के क्या है, गिरिम, महीधर, अचल, भूधर और शैल, ये पर्वत के क्या है, पर्यायवाची शब्द। अग्नि ही, अग्नि के देखें, पावक, बहिन, अनल और हुतासन। इसी प्रकार पृथ्वी के देखें, धरती के, भूमि, मही, धरा, वसुंधरा और वसुधा। पानी के देखें, जलम के, वारी, नीरम, सलिलम, अम्बु और तोयम। इसी प्रकार देखें, पक्षी, पक्षी के खग, विहग, द्विज और विहंगम। ग्रहम, घर के देखें, आल्यम, भवनम, निकेतनम, सदनम, ये सारे क्या हैं, घर के पर्यायवाची शब्द, घर के समान अर्थ इनके भी है। नेत्रम, आँख के देखें, नेत्रम के, अक्षी, चक्षु, दृक्, लोचनम और
नयनम, ये क्या है इनके पर्यायवाची शब्द। और भी शब्द देखें, सिंह, सिंह का क्या है मर्गेंद्र, हरी और केसरी। शिक्षक शब्द जो गुरु हैं, अध्यापक हैं, तो इसका क्या है अध्यापक, गुरु, उपाध्याय और आचार्य। जो शिक्षक क्या है समान अर्थ प्रदान करने वाले ये शब्द हैं। मयूर, मोर, मयूर को क्या बोलते हैं मोर। बरेण, यानी कि इसके अत्यधिक रंग होने के कारण इसके बरेण, बहुत सारे रंग होने के कारण बरेण बोलते हैं। नीलकंठ, इसका कंठ है, गला है वो नीला होने के कारण मोर को क्या बोलते हैं नीलकंठ। केकिन, इस प्रकार की आवाज़ करने से बोलने पर इसे क्या बोलते हैं केकिन बोलते हैं मयूर को। शुकहा, देखे शुक तोते को बोलते हैं किर। वक्रतुंड, इसकी जो चोंच है वो गोल होने के कारण वक्र के समान है, वक्रतुंड भी बोलते हैं इसे। तोता, तोता बोलते हैं महर्षि और व्यासपुत्र, क्योंकि राम का नाम ले सकता है, राम राम बोलता है, इसलिए इन्हें महर्षि और व्यासपुत्र भी कहा जाता है। अश्व, देखें अश्व घोड़ा, जिसको बोलते हैं तुरंग, घोटक, हय और तुरग और वजिन, ये क्या बोलते हैं घोड़े को बोला जाता है। तो घोड़े के समान अर्थ प्रदान करने वाले ये शब्द हैं। कबूतर, कबूतर को क्या बोलते हैं देखें कपोत, उसे कबूतर भी बोलते हैं कपूत, और उसे बोलते हैं कलरव, पारावत और रक्त लोचनम, किन्हें बोलते हैं कबूतर को बोलते हैं कपूत को। तालाब, तालाब के देखें समानार्थिक शब्द, तालाब के सरोवर, सरस, कासार और पुष्करणी। इसी प्रकार देखें पत्नी के, पत्नी को और क्या बोला जाता है जाया, भार्या, दारा और ग्रहणी। कृष्ण को देखें, भगवान कृष्ण, कृष्ण को और क्या कहते हैं वासुदेव, ओम वासुदेवाय नमः कहते हैं अपन। केशव, चक्रपाणी, चक्रपाणी क्यों कहते हैं इसके पाणी यानी हाथ, तो जिसके हाथ में क्या है चक्र है तो वो कौन है कृष्ण, वासुदेव, विष्णु, चक्रपाणी। और इसे बोलते हैं मधुसूदन, क्या बोलते हैं मधुसूदन, मधुर बांसुरी बजाने के कारण बोलते हैं मधुसूदन। वृक्ष, वृक्ष को देखें तरु, पादप, विटपिन और साखिन। साखिन यानी इसके वृक्ष क्या होती है शाखाएँ, शाखाएँ होने के कारण बोलते हैं इसको साखिन। वृक्ष को बोलते तरु, पादप, विटपिन और साखिन। इसी प्रकार देखें चंद्रमा, क्या है चंद्रमा, चंद्रमा के लिए क्या शब्द आया हुआ है चंद्रमा के लिए चंद्र, इंदु, क्या है इंदु, निशाकर और विदुहु और सुधाकर। इसी के समान पुष्प, फूल, इसको बोलते हैं कुसुमम, क्या बोलते हैं कुसुमम, प्रश्नुम और फूलम। इसी प्रकार कंदुकम, गेंद, गेंद को अपना बोलते हैं गेंद भी बोलते हैं, गेंडू संस्कृत में बोला जाता है इसको, गोलक और गोलम, गोल होने के कारण क्या कहते हैं और गोलम भी कहा जाता। अब देखते हैं अपन मूषक, जो गणेश जी की क्या है गणेश जी की सवारी, मूषक, चूहा, जिसे क्या बोलते हैं अपन चूहा। खन कह और बिलेश्यम, क्योंकि बिल में रहता है इसलिए क्या बोलते हैं इन्हें बिलेश्यम। मुशिकार, क्या बोलते हैं इन्हें मुशिकार। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के इस प्रकरण के अंदर आपको ये सारे जो हैं वो पर्यायवाची शब्द समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको इन्हें और समझने की प्रयास करोगे और फिर अपनी संस्कृत की कॉपी में इन्हें सुंदर राइटिंग में जमा जमा करके आप क्या करोगे लिखोगे। तो इन्हें क्या है अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि समान अर्थ को प्रदान करने वाले शब्द जो हैं वह क्या कहलाते हैं
पर्यायवाची शब्दा कहलाते हैं। तो इस पर यह परीक्षा में प्रश्न भी बनेगा, जिस प्रकार से आपको पूछा जाए कि सूर्य शब्द हैं, इस सूर्य शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखें, तो आपको पूछा चार पर्यायवाची शब्द लिखें या दो लिखें या तीन लिखें, तो जितने आपको कहा जाए उतने ही इसके शब्द लिखें। तो सूर्य के क्या लिखोगे, जिस प्रकार से रवि, दिनकर, भानु और दिवाकर, इस प्रकार से आप इन्हें लिखोगे। इसी प्रकार आपको कहा जाए कि आप अग्नि जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची शब्द लिखें, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा इसकी परिभाषा कि समान अर्थ प्रदान करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अग्नि शब्द जो आ गया परीक्षा में, तो क्या लिखोगे इसके, पावक, बहिन, अनलह और हुतासन। पृथ्वी शब्द दे दिया, पृथ्वी शब्द कि जरूरी नहीं हम पृथ्वी पूछें, आपको पूछ दिया कि वसुधा शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखें, धरा शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखें, तो जो अर्थ पृथ्वी का है वो का वो धरा का है, वो का वो किसका है, वसुधा का है। अर्थात सभी का समान अर्थ होने के कारण ही इन शब्दों को समानार्थिक शब्द, समानार्थिक शब्द कहा जाता है। इसी प्रकार आपको कहा जाए कि नीरम शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखें, सलिलम शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखें, तो भी आपको ये पीछे वाले लिखने हैं। इनमें से भूमि का पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं बाकी वाले शब्द। इसी प्रकार से जरूरी नहीं आपको आगे वाला ही पूछे, तो आपको क्या करना है, इन्हें याद भी करना है, समझना है, और इसी प्रकार से और भी पर्यायवाची शब्द इसमें आपको ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। कितने जोड़ोगे आप, कम से कम 10 पर्यायवाची शब्द और भी इसमें आप जोड़ोगे, जो आपको पता हो कि ये शब्द हैं ईजी हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे शब्द ढूंढ करके आप भी इसमें ऐड करोगे, इसमें जोड़ोगे, और इन्हें आप सुंदर राइटिंग में जमा जमा करके अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये काम आपको करने के बाद आपको वीडियो तो पसंद आया ही होगा, तो ये साथ में काम भी करना है। पहले इस वीडियो को, आज के इस टॉपिक को क्या करना है, लाइक करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन्हें लाइक करना नहीं भूलें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करने के लिए इस प्रकार से एक हाथ का निशान दे रखा है थंब का, उस पर आपको क्या करना है, राइट करना है। समझ में आ गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।